तो भाई आज हम आप लोग के लिए लेकर गए आप लोग का पसंदीदा कार टाटा नैनो ट्विस्ट वेरिएंट। जी हाँ, वही वेरिएंट जिसका पीछे से भी बूट ओपन होता है। नैनो का बहुत लोग यार लवर सभी भी भरे पड़े हैं, उनके लिए गाड़ी रिव्यू करते रहता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार गाड़ी है। ए वाला मॉडल तो मुझे भी खास करके यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। नीचे में फॉग लैम्प काफ़ी अच्छा मिल जाता है, अभी की गाड़ी के मुकाबले देखा जाए तो सेम टू सेम ही मिलता है। और हेडलाइट वही नॉर्मल हैलोजन, साथ में ऊपर में साइड इंडिकेटर जो कि लेफ्ट में जलेगा तो लेफ्ट जलेगा और राइट जलेगा तो राइट जलेगा, ना कि राइट का जलेगा तो लेफ्ट जलेगा, ठीक है। तो उल्टा फुलटा कुछ काम नहीं होता क्योंकि भाई ये इंडियन गाड़ी है, चाइनीज नहीं है। स्कोडा में जाइएगा तो आपको उल्टा देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि फिलहाल मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का चारों साइड से लुक काफ़ी शानदार है, जो कि आप देख ही रहोगे। स्क्रैच की बात करें तो जी हाँ, स्क्रैच मिलता है, जो है रियलिटी में आपको बता रहा हूँ स्क्रैच मिलेगा कहीं कहीं। और बाकी बात करें रिपेंट का, तो रिपेंट बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। आप कहीं भी ले जाकर चेक करवा सकते हो, चाहे तो हिमालय पर भी ले जाकर चेक करवा, वैसे हिमालय पर चेक नहीं होता गाड़ी, ठीक है। तो चारों साइड से आप गाड़ी देख सकते हैं। एलॉय कवर्स की बात करें तो जी हाँ, एलॉय कवर्स भाई ने लगवा रखा है, बाहर से मॉडिफाई थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा शौक होगा गाड़ी का तो मॉडिफाई करा दिए होंगे, आपकी मर्जी तो आप भी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एलॉय पे मारिएगा ना एक दो लात तो टूटने का चांस कम है, ठीक है। वो पिछला जो प्लास्टिक वाला आता था ना उसमें टूट जाता था, मतलब जैसे कि मैंने आपको बता भी चुका है बहुत सारी गाड़ी में। पीछे से लुक चेक कर सकते हैं, ट्विस्ट का बैजिंग मिल जाएगा पीछे से बूट ओपन, जो कि मैंने आपको बताया था, जी हाँ आपको देखने को मिल जाता है। एल का भाई ने स्टिकर लगा रखा है क्योंकि भाई लिए थे गाड़ी को सीखने के लिए, और सीख लिए तो अब क्या भाई आप गाड़ी बेचेंगे क्योंकि दूसरा गाड़ी भी तो लेके आना है। तो देख सकते हैं पीछे में, और सबसे बड़ी बात भाई मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको बताना, ये जो गाड़ी देख रहा हूँ ना ये AMT है, यानी ऑटोमेटिक गियर वाला। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात बताओ ऑटोमेटिक के साथ क्या है, ऑटोमेटिक के साथ उसका जो प्राइस है ना बहुत ही कम है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना कितना कम प्राइस में ऑटोमेटिक भाई कैसे मिल सकता है। तो अभी मैं सब कुछ बताऊंगा भाई, वीडियो के साथ बने रहो। यहाँ पर आप देख सकते हो सीट फ्रंट का क्या जबरदस्त सीट है, कुछ इस टाइप से इंफोटेनमेंट सिस्टम नैनो का भी देखने को मिल जाता है, जिसमें फ्रंट में चार AC बूटन का फिनिशिंग थोड़ा बहुत आपको कहीं के देखने को मिल जाता है। रियर सीट काफ़ी ज़बरदस्त है, पीछे में भी आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, तो फिर क्या ही चाहिए मेरा भाई। गियर बॉक्स कुछ इस टाइप से मिल जाता है, काफ़ी शानदार गियर बॉक्स के जस्ट आगे में आपको चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का देखने को मिल जाता है, साथ में फ्रंट का जो दोनों पावर बटन होता है वो भी देखने को मिल जाएगा। और भाई ने लगवा रखा है डिस्प्ले, जो कि आप सामने में देख ही सकते हो, मतलब भाई गाड़ी को क्या बोलूँ, तूफान बना कर रखे हुए हैं, एरोप्लेन जो बोलते हैं ना वही बना कर रखे हुए हैं, जो कि आप देख ही रहोगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं ही गाड़ी को ले लो, बट क्या करूं मैं ऑलरेडी स्कोडा यूज़ कर रहा हूं, सो मैं इस गाड़ी को भी नहीं ले सकता क्योंकि भाई पैसे भी होने चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स का। तो टाटा नैनो 2016 मॉडल आप देख रहे थे, XTA पेट्रोल वेरिएंट, किलोमीटर बताऊं तो 83,220 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। गियर बॉक्स ऑटोमेटिक, जो कि मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बता दिया है। ऑनर की बात करें तो थर्ड ऑनर गाड़ी है। लोकेशन बताऊं तो MH पुणे की गाड़ी है, जी हां महाराष्ट्र पुणे की ये गाड़ी है। चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइसिंग का। तो दोस्तों ऑनर का प्राइसिंग है, आस्किंग प्राइस है 1,65,000 रुपीज़, जी हाँ ऑन द टेबल प्राइस नेगोशिएबल कर दी जाएगी। सो प्राइस का कोई टेंशन नहीं है एंड पेपर का भी कोई इशू नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की। तो दोस्तों ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में मेंशन है, इस नंबर पर कॉल करिए, जितना हो सकता उतना बार कॉल करिए और बात करिए, जो डिटेल निकालना वो निकालिए, गाड़ी पसंद आए तो गाड़ी लीजिए भी। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, नहीं गाड़ी के साथ। अब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद, बाय बाय, टाटा सी यू।